इस शरीर में निद्रा जागृति सुस्ती उदिगीता निरुत्ति पाप वासना पुण्य भावना पाप पुण्य जरा तारुण खलिल बहुकेश होना पलित श्वेत तत्व कृष्ण तत्व बालों का श्वेत होना और काले होना चोरी अस्तेय दुष्टकृत्य सुकृत्य ब्रिजन सरलता सत्य असत्य यज्ञ आयज्ञ यस आयस बल बलहीनता छात्र निर्बलता ओज शरीर शक्ति आशक्ति भूक्ति ऐश्वर्य अभूति निर्धनता राति दान आरति कंजूसी क्षुधा भूख भूख ना लगना निंदा स्तुति हाँ और ना करना श्रद्धा अश्रद्धा दक्षता आचरणे विद्या अविद्या ज्ञान अज्ञान आनंद दुख मोद कष्टक हास्य रोदन नष्टि नाश नृत्य अनृत्य अलाप प्रलाप मौन प्रयोग वियोग ये सब भाव शरीर में होने लगे हैं। ये भाव शरीर में प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं। प्राण अपान व्यान उदान चक्षु श्रोत्र क्षति अक्षति वाणी मन ये 10 ही शक्तियां शरीर में रहती हैं और उक्त कार्य करती हैं। आशीर्वाद क्रोध के शब्द अनुकूल प्रतिकूल शब्द संकल्प विकल्प स्थिरता चंचलता तुष्टा शक्ति कृपणता उदारता गुहा प्रगट शुक्र निर्वीर्य स्थूल कृश्य विभंस सभ ये सब भाव शरीर में प्रविष्ट हुए हैं। इस यज्ञ के हवन के लिए रेत का घी बनाकर उस रेत की आहुति स्त्री के गर्भाशय में डालनी होती है। उस रेत के साथ सब देव शरीर में घूम जाते हैं। वीर के प्रत्येक अणु में पिता के संपूर्ण शरीर का अर्थात उस शरीर के हर एक इंद्रियों का संस्वत रहता है और उस संस्वत के साथ पिता के शरीर के देवता अंश भी रहता है। अर्थात देवतांश को ही सत्वांश समझ लिया जाए। पिता के सादृश्य पुत्र के शरीर के अंग प्रत्यंग होते हैं। इसका यही कारण है इस रेत में शरीर की सब सत्व होता है और इस शरीर पुत्र बढ़कर पिता जैसा होता है। इससे रेत का घी बनाकर सब देव में शरीर किस रीति से घूमते हैं इस बात का पता पाठकों को लग सकता है। जो सब देवताएं हैं और जो पानी है जो ब्रह्म के साथ विराट पुरुष हैं ये सब देव रेत के साथ शरीर में घूमते हैं। जल तो वही प्रवाही पदार्थ रूप से गर्भाशय में रहता है उसमें वीर के साथ सब देवतांश पहुँचते हैं। सब विराट पुरुष का सत्व वहाँ पहुँचता है। स्वयं ब्रह्म का अंश जीवन अभाव से वहाँ पहुँचता है। इस ब्रह्म के अंश के साथ सब अन्य देव अपने अपने स्थान में रहते हैं और वहाँ के अवयव अपने रहने योग्य बना देते हैं। हर एक स्थान में योग्य सुराख बनाते हैं और वहाँ ठीक रीति से रहते हैं। जो ब्रह्मा का अंश जीवन भाव से शरीर में आता है वही इस शरीर में प्रजापति संज्ञक जीव आत्मा होकर सबका पालन करता है। जब तक यहाँ इस शरीर में रहता है तभी तक अन्य देवों का निवास यहाँ रहता है। जब ये ब्रह्मास शरीर का छोड़ देता है तब अन्य देव भी छोड़कर उसके साथ चले जाते हैं। इसलिए इनका पालक होने से शरीर में यही प्रजापति कहलाता है। मनुष्य के शरीर में सूर्य आँख बना है वायु प्राण बना है और अन्य देव अन्य इंद्रिया स्थानों में रहे हैं। यहाँ सबको उष्णता देने का कार्य अग्रिम कर रहा है। जब अग्नि देव अपना कार्य स्थगित करता है तब ये शरीर ठंडा हो जाता है और अनन्यान देव यहाँ रहने में असमर्थ हो जाते हैं। जैसे गौवें गौशाला में यथाक्रम रहती हैं उसी तरह सब देवताएं इस शरीर में यथाक्रम रहती हैं। जहाँ जिस देवता ने रहना योग्य है वहीं वो देवता रहती है। ये सब देवताएं मानो गौवें हैं और ये सब गौवें इस शरीर रूपी गौशाला में रहती हैं। इन सब देवता रूपी गौओं का एक ग्वालिया है उसका नाम आत्मा है जो ब्रह्म का अंश यहाँ रह रहा है। इसका चित्र इस तरह हो सकता है ब्रह्म
इंद्र वरुण सूर्य वायु अग्नि आदि सब देव, बड़ी गौशाला, विश्व विराट, इस तरह ये गौशाला का वर्णन है। यहाँ गौशाला अपना शरीर ही है, इसमें सब इंद्रियों के स्थान के देव गोरूपी हैं और उनका अधिधाष्टता आत्मा उनका ग्वालिया गोपाल भगवान है, वही अंश रूप से यहाँ आया है और इसका तारण कर रहा है। इसी कारण इस पुरुष को ये ब्रह्म है ऐसा कहते हैं, क्योंकि सब देवताएं इनके अधीन रहती हैं। यहाँ गौओं और गोपाल का विचार पाठक मनन पूर्वक देख सकते हैं। इस पुरुष में तीन भाग है, एक भाग से यहाँ के पार्थिविक भोग भोगे जाते हैं, दूसरे भाग से दिव्य सुख प्राप्त किया जाता है और तीसरे भाग से दोनों का संबंध जोड़ा जाता है। ये तीन भाग स्थूल सूक्ष्म कारण नाम से प्रसिद्ध हैं। जीवात्मा देवांश, मन आँख प्राण वाणी आदि देवों के अंश, छोटी गौशाला देह हैं। जब गर्भशाय में वीर बिंदु चला जाता है तब वहाँ रज में वो स्थिर होकर गर्भ बढ़ने लगता है। वहाँ बुद्धा अवस्था होने से जल में शव तैरने के समान वहाँ गर्भ बढ़ने लगता है। उसके चारों ओर एक प्रकार का जल रहता है, इस जल से उसकी रक्षा होती है। इस जल में ये रहने के कारण ही इसको शव अथवा उदक के स्वरूप कहा जाता है। इस तरह ये शरीर रचना देवों का विलक्षण कार्य है, ये अद्भुत रचना है, ये आश्चर्यमयी घटना है। यही देवों का मंदिर है और यही सप्त ऋषियों का आश्रम है। हर एक मनुष्य को यहाँ प्राप्त हुआ है, इसको अपनी तपस्या से उन्नत करे और साधक अपना जीवन सफल करे।